मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, एलसीएम फाइंड आउट करना है 20 और 36 का। तो देखो एलसीएम के लिए हम फैक्टर कर दिए, 2 से देखो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 10 जा 20। 2 से इस नंबर को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में जा रहा है, 18 टाइम में। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स में जा रहा है, 5 टाइम में। 2 5 जा 10, ऐसे देखो 2 5 जा 10, 5 टाइम गया, मैंने नीचे लिख दिया। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। अब देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब किससे हो रहा है, 3 से। तो 5 तो एज इट इज आ गया, और 3 से 9, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसे हम ऐसे कैसे लिख देते हैं एलसीएम में। 9 डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9। वापस से देखो 3, 5 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, लेकिन 3 डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 टाइम। अब 5 डिवाइड हो रहा है 5 से, 1 टाइम। तो अब इसका एलसीएम कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15 16 17 18। तो कितना हो गया, 118। ये उसका हो गया एलसीएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखिए आपको 49, 63 और 84, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने इसको भी वही फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एक ही जगह निकाला जाता है, चाहे कितने भी नंबर हो। देखो 2 से डिवाइड करें, 49 तो नहीं जाता, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, 63 भी ऑड नंबर है जो कि डिवाइड नहीं होता 2 से, 84 इवन नंबर है, तो 84 में 2 से डिवाइड करो। जैसे देखो हमने किया, इधर देख लो, 2 4 जा 8, 4 बचा, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया, 42। फिर से 2 से डिवाइड किया, 49 ऐसे कैसे आया, 63 ऐसे कैसे आया, क्योंकि ये 2 से नंबर डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर है, कारण कि इनकी मंथ्स की प्लेस पे 9 या 3 ऑड नंबर आ रहा है इसलिए। अब 2 से 42 को डिवाइड करो, तो अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 2 2 जा 4, और 2 1 जा 229। अब देखो सारे ही नंबर ऑड हो गए, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, अब ये होंगे 3 से। देखो हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा, एज इट इज उतारा, 63 डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3। 21 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21। अभी भी देखो ये 21 अभी 3 से डिवाइड होगा, जब तक कोई नंबर 3 से डिवाइड है तब तक आप उसको दोगे, अगला नंबर नहीं लोगे, 3 7 जा 21, और ये 7 एज इट इज। अब देखो ये नंबर कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, अब होगा 7 से। और ध्यान रखना कि प्राइम नंबर से ही केवल डिवाइड करना है, तो 7 से 49, 7 टाइम है, 7 7 जा 49, इस 7 से इस 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, इस 7 से इस 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। फिर से देखो ये 7 जा रहा है, इस 7 से इस 7 को डिवाइड किया 1 टाइम, और ये तो 1 है ही। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, और जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 7 से करो, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस किया तो 25, यानी 252, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, और 1 36, कैरी 3, 7 2 जा 14, और 14 में 3 प्लस किया तो 15 16 17। तो इसका एलसीएम आ गया 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखो, इसमें है 81, 126, 135 और 252, 252।
तो आप देखो 2 से डिवाइड कर दो 81 है, ऐसे कैसे 2 से इसको किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 135 डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे लिख दो 252 डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर से देखो 2 से ये 126 डिवाइड होगा, बाकी कोई नहीं होगी क्योंकि बाकी सारे ऑड नंबर हैं, तो ये ऐसे कैसे लिख दिए, ये 126 हो रहा है, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, ये कॉमा है। अगला देखो, अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से देखो ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन कर लेते हैं, करके देखो 3 2 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसको डिवाइड नहीं करोगे। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अगला 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, ये हो रहा है 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, डिवाइड कर दिया। अभी भी ये नंबर देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फिर भी देखो अभी भी 3 से कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 9 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम में, 7 नहीं हो रहा, 15 डिवाइड हो रहा है 3 5 जा 15 और ये 7 डिवाइड नहीं हो रहा। अभी भी 3 से एक नंबर है 3 1 जा 3, 7 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। नेक्स्ट करके देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज। अगला 7 से देखो 1 7 1 जा 7, ये 1 ऐसे ही और 7 1 जा 7, नीचे सारे 1 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, इसको करो 3 से, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, इसको 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, इसको करो इससे 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 कितना हो गया 11, तो कितना आ गया 11,340। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।